इंदौर के वार्ड नंबर 79 के रहवासी परेशान हैं। वार्ड में मूलभूत सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं है। एक और जहां इंदौर शहर को स्वच्छता के नाम पर नंबर वन अवार्ड मिला है, वहीं इस शहर का एक वार्ड ऐसा भी है जहां न तो ड्रेनेज है न सड़क है। पार्षद को भी कई बार बोलने पर भी निराकरण नहीं हुआ है। मकानों का अवैध निर्माण नालों पर होने से ड्रेनेज की निकासी नहीं है। निकासी नहीं होने पर मच्छरों की भरमार है। नागरिकों द्वारा पार्षद और नगर निगम को कई बार अवगत कराया है, परंतु कोई कार्यवाही नहीं हुई है। वार्ड में हमारे वार्ड में पहले तो स्ट्रीट लाइट भी नहीं है, जो रात में बहुत दिक्कत रहती है यहाँ पे। और दूसरा कि पानी भरा रहता है जगह जगह पे, तो बच्चे गिरते रहते हैं, स्कूल जाते हैं, उनको बहुत ज्यादा समस्या आती है सुबह निकलने में। क्या आपने पास से शिकायत करी थी? नहीं, पार्षद तो मिले ही नहीं। एक बार गए थे मिलने गए थे सभी लोग बाहर, लेडीज कुछ किया नहीं अभी तक। बोला देखते हैं बताते हैं बाद में। एक बार शिकायत कर चुके हैं पार्षद ने, अभी तक पार्षद की तरफ से कोई इधर कोई देखने नहीं आया अभी तक यहाँ पे। आए थे एक बार, नहीं कर गए। वो शिकायत दी थी तो ये डाला था उनने मलबा, तो ये मलबा भी ऐसा ही था। ये मलबा उन्होंने नहीं डलवाया, वो कॉलोनी के वो बिल्डर ने डलवाया है। जो बिल्डर है कॉलोनी का, उसने ये मलबा डलवाया। आपका नाम? निहाल सिंह बघेल। इंदौर से अविनाश बंसोड़े की रिपोर्ट।